I want to thank you. Thank you very much for the. This is your company, Mark. एक चीज मैं कहूंगा कि आप हमें कहीं पे जो है ना कहीं पे भी होते हैं आप आके पकड़ लेते हो. बिल्कुल आप ठीक है. लाइक हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जिस वजह से ये व्लॉग बहुत ज्यादा जरूरी था. जाम खड़े हैं. दिस इज कॉल्ड अ केबल लेइंग वेसल. द सेम टाइम फॉर द ऑलवेज क्रू वी हैव इंटरनेशनल. प्रोजेक्ट का नाम भी बता दीजिएगा ताकि अगर किसी क्लाइंट को गूगल करना हो तो वो गूगल करके चेक कर सकते हैं. इस वेसल के ऊपर डाइवर्स मौजूद होते हैं जो कि फिजिकली अंदर जाके उस केबल को सिक्योर करते हैं ऑन द सी बेड. हम लोग डाइवर्स इनको प्रोवाइड कर रहे हैं. सारी हैवी इक्विपमेंट्स हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, बी इट क्रेन्स, बी इट फोकलिफ्ट, बी इट एक्सकवेटर्स. इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन द लास्ट मंथ मुजफ्फर भाई वो हमारे पास कुछ कंटेनर्स आएंगे. इस प्रोजेक्ट के जो हमारे डाइवर्स और जो सारा कुछ है वो ग्रीस से लिंक है. हम मार्क इंटरनेशनल कंसल्टेंसी का अपना ऑफिस मस्कत में हो. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आज मेरे साथ मौजूद है वंस अगेन फराज भाई एंड उज़ैफा भाई. अस्सलाम वालेकुम फराज भाई. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम उज़ैफा भाई. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र. बहुत डिफरेंट किस्म का व्लॉग होने वाला है अगेन वंस अगेन इसी सीरीज से मिलता जुलता के मार्क इंटरनेशनल ओमान में क्या क्या बिजनेसेस करती हैं, मार्क इंटरनेशनल कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती है. मैंने पहले भी बहुत दफ़ा अपने क्लाइंट्स को बताया कि कंसल्टेंसी इज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ मार्क इंटरनेशनल. फराज भाई अभी हम कहाँ पर मौजूद हैं? इस टाइम पे हम मस्कत में मौजूद हैं और ये सुल्तान काबूस पोर्ट है. और एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप हमें कहीं पर जो है ना कहीं पर भी होते हैं आप आके पकड़ लेते हो. बिल्कुल आप ठीक है. आपसे जो है ना कहीं से आपसे बच के जाना जो है ना कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा तो इधर कोई आए ना आए अतीक तो आएगा. सीरियसली यू नो बहुत दफा ना उज़ैफा भाई आप आज हमारे साथ हमारे व्लॉग में मौजूद हैं. कई दफा क्लाइंट्स पूछते हैं कि यार मार्क इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी क्या है. कुछ उन क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए एंड कुछ फ्रेंकली ये बताने के लिए स्पेशली कि बीइंग अ पाकिस्तानी एंड लाइक हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जिस वजह से ये व्लॉग बहुत ज्यादा जरूरी था मुझे लगा मेरे अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए. क्योंकि फराज भाई यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप बड़ा ओपनली लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स से अपने व्यूअर्स से. सो दैट्स व्हाई वंस अगेन मैं जबरदस्ती आप लोगों को पकड़ के आज यहाँ पर पोर्ट पे शिप के अंदर हम मौजूद हैं. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. हमारी मार्क इंटरनेशनल की एक मरीन डिवीजन है जो कि मरीन सर्विसेज को देखती है. शिप एजेंसी सर्विसेज हो गई. उसके बाद अभी अगला एक व्लॉग जो है वो भी आपको बताएंगे जिसके अंदर सब सी केबल जो केबल में सी में केबल ले होती है इंटरनेट की वो प्रोजेक्ट होता हुआ जो है वो दिखाएंगे. ये उसी का वेसल है. उज़ैफा भाई हैं, बिजनेस डेवलपमेंट देखते हैं मार्क इंटरनेशनल का अपना मरीन सर्विसेज का. ओवर टू उज़ैफा भाई. उज़ैफा भाई एक्सप्लेन करेंगे ये क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से है, हम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या सर्विसेज देते हैं. जी उज़ैफा भाई. जी अतीक भाई, जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं. हम जहां उज़ैफा भाई थोड़ा सा आपको लाउड बोलना पड़ेगा, बैक में नॉइज भी है क्योंकि अभी प्रोविजंस लोड हो रही हैं. मैं आपको एक थोड़ा सा एक फीडबैक दे देता हूं अबाउट हम अभी कहां खड़े हैं और हम यहां पे क्या कर रहे हैं और हम यहां क्यों हैं. ये जहां खड़े हैं दिस इज कॉल्ड अ केबल लेइंग वेसल. ये वेसल अल्हम्दुलिल्लाह मार्क इंटरनेशनल की है. हम लोग ने इसकी एजेंसी ली है क्योंकि हमारे पास ये जो है फ्रॉम 2022 हमारे पास इसका प्रोजेक्ट है जो कि इस दुनिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है. जिसके अंदर जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उन सारों को थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है. आपको पता है कि आजकल दौर इंटरनेट का है और हर किसी को हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए. ये दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. प्रोजेक्ट का नाम भी बता दीजिएगा ताकि अगर किसी क्लाइंट को गूगल करना हो तो वो गूगल करके चेक कर सकते हैं. इसको जो प्रोजेक्ट अभी हमारे पास है इसको कहते हैं टू अफ्रीका पर्ल.
जो कि ये सारी अफ्रीकन रीजन्स यूरोप के साथ और यहाँ के जितनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं इन सारों को इस केबल के साथ कनेक्ट करती हैं। ये जो वेसल है इसका मेन पर्पस है केबल ले करना। और अभी हमारे पास 2022 में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट था, 2024 में भी हमें ये प्रोजेक्ट फिर से दिया गया है और हम जो है वो आउट ओपन इन द ओशन इन बरका वाटर्स जो है ये वेसल केबल ले करेगी। इसके अलावा हमारी एक और वेसल है जो कि बेसिकली उस केबल को जो ले की जाती है वहाँ उस वेसल के ऊपर डाइवर्स मौजूद होते हैं जो कि फिजिकली अंदर जाके उस केबल को सिक्योर करते हैं ऑन द सी बेड। हम जो है वो एक वन स्टॉप शॉप मरीन आउट ऑफ ऑल जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो कि मार्क इंटरनेशनल पिछले 15-20 सालों से जिसमें इन्वॉल्व हैं, मरीन सर्विसेज हमारा एक आई वुड से बहुत ही एक नायाब एक्सक्लूसिव काम है जो कि नॉट एवरीवन इज डूइंग। हाँ जी, जो कि इतना इजी नहीं है टू गेट इनटू दिस और इन ऑपरेशंस को करना समझना। इसके पीछे हमारे साथ हमारी पूरी टीम है और इन लोग को प्रॉपर क्वालिफिकेशन प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि ये लोग अपने जॉब्स को एग्जीक्यूट कर सकें। एज अ लेमैन, मार्क इंटरनेशनल इस सारे प्रोजेक्ट में सर्विसेज क्या प्रोवाइड करनी है एज अ लेमैन? सबसे पहले वेसल की एजेंसीज पकड़ते हैं, इनके कोस्टल लाइसेंसेस हो गए, इनके बाकी आरओपी के परमिट्स हो गए, जितने परमिट्स इनके क्रू मेंबर्स के भी, जितने मिनिस्ट्रीज ओमान में एग्जिस्ट करते हैं उन सारों से हमें परमिट्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑन द ऑफशोर। तो हमें वो सारी परमिट्स लेनी होती है। इनका जितना क्रू होता है, इन क्रू का हमें इसको हस्बेंडरी कहते हैं जिसके अंदर हम लोग ने इनका टेक केयर करना होता है, इनके मामलात देखने होते हैं, इनके वीजास, इनके अप्रूवल्स, साइन इन साइन ऑफ एग्जैक्टली। अब जब वेसल बर्थ होती है तो बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं क्योंकि ये लोग सारे रोटेशन पे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं वो डिसएम्बार्क जो साइन ऑफ करते हैं। लाइक वाइज फ्लाइट से जो है ज्यादातर जो हमारे क्रू मेंबर्स जो है वो यूरोपियंस हैं, वो लोग सारे आते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे होटल में स्टे देते हैं एंड जब वेसल बर्थ हो जाती है देन दे आर लॉग्ड ऑन टू द वेसल और वो साइन ऑन कर जाते हैं। इस केबल लिंक प्रोजेक्ट में स्टार्ट में जब ये लास्ट मंथ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, हेवी मशीनरी और जो जो इक्विपमेंट्स इनको चाहिए थे वो भी मार्क इंटरनेशनल ने ही प्रोवाइड किए। वन स्टॉप शॉप मार्क इंटरनेशनल इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है। ओके, हम लोग डाइवर्स इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी हैवी इक्विपमेंट्स हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, बी इट क्रेन्स, बी इट फोकलिफ्ट, बी इट एक्सकवेटर्स, मैन पावर इनको चाहिए जितना हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा इनको दूसरा इक्विपमेंट चाहिए होता है फॉर देयर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इनको साइट ऑफिसेस चाहिए होती हैं, इनको अकोमोडेशन हम प्रोवाइड करते हैं, होटल्स रिसॉर्ट्स में हमने इनको अकोमोडेट किया हुआ है। इसके अलावा इस वेसल के ऑन इट्स ओन, मतलब ये तो एक प्रोजेक्ट के हवाले से आपने सवाल पूछा, लेकिन इस वेसल के खुद के इतनी ऑपरेशंस होती हैं कि अब इस वेसल को इधर आए हुए तकरीबन हफ्ता होने को आया है, इसके अंदर बंकरिंग होती है जिसके अंदर जिसको लेमैन में कहते हैं इनकी फ्यूल्स एंड ऑयल्स इनको जो चाहिए होता है वो सारा रिफिल होता है। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस होती है चूंकि ये वेसल आज एक बड़ी लंबी सेल के बाद, क्योंकि इससे पहले ये वेसल जो है वो साउथ अफ्रीका में थी, साउथ अफ्रीका उनका प्रीवियस पोर्ट कॉल था, अब मस्कत आई है, तो इस इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन जिसकी वजह से इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इनका मेंटेनेंस होना होता है, इनकी सर्वेज होती हैं, इनके प्रोविजंस इनको चाहिए होती हैं जो फॉर इंस्टेंस किचन के हो गए, इनका खुद का यूनिफॉर्म हो गया, जो मेंटेनेंस की चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइट छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हों टॉप टू बॉटम, यहाँ तक के प्रिंटिंग का पेपर भी जो है वो उनको प्रोवाइड करना होता है। अभी कैप्टन ही वाज आस्किंग फॉर सम जी जी उनको प्रिंटर्स चाहिए, उनको कुछ टोनर चाहिए, तो इसमें ये एक शिप चैनलिंग, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिविजन ऑल टुगेदर, लेकिन काम ये है इनको प्रोविजन प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद जो है कुछ टेक्निकल चीजें, फॉर इंस्टेंस हमारा आज का स्कोप है कि इनका जितना स्लज बिल्डअप हुआ है स्लज को हमने डिस्चार्ज करना होता है। स्लज बेसिकली वेस्ट ऑयल, वेस्ट लूप्स, वेस्ट अलग अलग किस्म के जो होते हैं, तो बाहर अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बड़ी एक वैसे वहीकल लगी हुई है, पंप लगा हुआ है जो सारा डिस्चार्ज अभी ले रही है गैलन के हिसाब से, वो सब और लाइक सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी। एंड जिस तरीके से लाइफ राफ्ट्स हैं, इनके लाइफ राफ्ट्स आज रिप्लेस होंगे, तो जो खराब लाइफ राफ्ट्स हैं इसको हम
यहाँ से डिस्पोज करेंगे, नए लाइफ राफ्ट जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ये सारी जो है वो सर्विसेज हैं जो के कर रहे हैं। ओवर टू यू। इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन द लास्ट मंथ हुज़ैफा भाई, वो हमारे पास कुछ कंटेनर्स आएंगे, केबल्स एंड एवरीथिंग। इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट होते वक्त, स्टार्ट करते वक्त, वो तमाम सर्विसेज भी डेफिनेटली मार्क इंटरनेशनल ने प्रोवाइड की। सबसे पहले वेसल तो ये अभी आई है, इससे पहले बार्ज जो पहला था वो हमारे पास आया और वो सारा कंटेनर में लोड होके आता है। तो उसकी शिपमेंट क्लीनिंग करनी हमारे नाम पे डायरेक्टली बुक होता है मार्क इंटरनेशनल के नाम पे। हम उसको पोर्ट से रिलीज करवा के अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं, जो इनकी केबल होगी, इनका बाकी जितने का सारे का सारा इक्विपमेंट है। ऑब्वियसली लोकल प्रेजेंस चाहिए होती है, तो लोकल प्रेजेंस जो है यहाँ पे वो मार्क इंटरनेशनल है, तो वो सारा इक्विपमेंट हमारे पास वेयर हाउस में होता है। जैसे जैसे जिस जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे पहुँचाई जाती है। इस प्रोजेक्ट के जो हमारे डाइवर्स और जो सारा कुछ है वो ग्रीस से लिंक है, हम लोग ग्रीस से सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है वो नहीं है। इससे सारी गवर्नमेंट्स लिंक्ड है, ओमान की, सऊदी की, कुवैत की, कतर की। हमारे पास फिलवक्त ओमान का प्रोजेक्ट है और कतर का प्रोजेक्ट भी हमें अवार्ड हो चुका है, जो कि इंशाल्लाह अर्ली 2025 में होगा। और हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें सऊदी का प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, जो कि शायद थोड़ा सा जल्दी हो कि यहाँ से मस्कत से निकलते ही वेसल जो है हमें यहाँ से सऊदी लेकर जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फराज। मैं आपको इतना बताता चलूँ कि मरीन सर्विसेज से लिंक्ड जो है बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं। मार्क इंटरनेशनल फॉर इंस्टेंस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, जिसके अंदर हम लोग कंटेनर्स और बाकी सारे इक्विपमेंट हैंडल करते हैं। हमारे पास क्लियरिंग एजेंसीज हैं, जिसके अंदर दूसरों के शिपिंग कंटेनर शिपिंग के जितना उनका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उनकी हम लोग उनको क्लियरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हम पूरी प्रोजेक्ट हैंडलिंग करते हैं, जिसके अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हम हैंडल करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट की हैंडलिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड, उनके परमिट्स, उनके फैसिलिटीज, उनके स्टाफ को अकोमोडेट करना, उनके लिए सारी इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, ये सारा हमारा स्कोप हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं जी, मैं आपको थैंक यू कहूंगा कि आप ऑल द वे आए। और एक यहां पे जैसे मैं हर एक वीडियो में कोई ना कोई एक ऐसी बात कर देता हूं जो कि अनकरीब पूरी हो जाती। मैंने लास्ट वीडियो में जब आप आए थे मेरे पास ऑफिस में, मैंने आपको कहा था कि एक दिन आपको वेसल पे लेके चलूंगा। आज मैं एक और जो है वो कह देता हूं कि वेरी सून मार्क इंटरनेशनल कंसल्टेंसी का अपना ऑफिस मस्कत में होगा इंशाल्लाह। वेरी ब्रेकिंग न्यूज, ये खैर मैं अभी ब्रेक नहीं करना चाह रहा था, मैं थोड़ी सी उसकी तैयारी कर रहा था। इंशाल्लाह सून हम मार्क इंटरनेशनल का ऑफिस डेफिनेटली मस्कत में लॉन्च करेंगे पूरे आबोताब के साथ। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा भाई, थैंक यू वेरी मच फराज हुसैन। लास्टली आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग कि ये व्लॉग स्पेशली इसलिए भी ज़रूरी था उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो बहुत दफ़ा मुझसे क्यूरीज लेते हैं कि आप लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू इम्पोर्ट, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड थिंग। मैं अक्सर एक स्टेटमेंट बोलता था कि वॉट एवर वेन एवर यू वॉन्ट इन ओमान किसी भी किस्म की सर्विसेज मार्क इंटरनेशनल इज अवेलेबल। एंड लास्टली हमारे साथ हमने इस सारे व्लॉग के साथ साथ हमने वो तमाम शॉट्स चलाए हैं जो हमने पूरा एक ओवरव्यू लिया है इस चिप का अपने व्यूज को दिखाने के लिए। शायद बहुत से लोगों ने कभी भी डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होता यहाँ तक एक्सेस लेना और यहाँ तक आना, वो शॉट्स भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इस व्लॉग के लास्ट में हमने कप्तान का एक थैंक्स मैसेज भी ज़रूर अपलोड किया है, उससे पहले हमने उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया जिस तरीके से उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी हमें कि किस किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, किस किस तरीके से लेकिन की कम्युनिकेशन एंड ये शेप और ये सारा इसके मामला और ये तमाम चीज़ें, तो हमने वो भी अपने व्यूज़ के साथ ओवरले में साथ साथ शेयर की हुई हैं। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर दिस आई वाज जस्ट introduce our vessel. This is for your teams, for your make some sort of excursion. I want to thank you very much for the, this is your company, Mark. It's very grateful because of this very good communication. Thank you very much for your attitude, for everything, you see, always clear, with our pleasure. At the same time, for the always crew, we have international, we without politics, but I want to thank you special thank you for our country, for the support of Ukraine.
during this time, you know. And I want to tell you Slava Ukraina, and thank you very much for your support. Thank you. Thank you. Thank you.